रेल यातायात के आधुनिक साधनों में से एक है। 1951 में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया था और यह आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और एक ही प्रबंधन के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भाप इंजन से डीजल के इंजन और फिर बिजली के इंजनों तक का इसका सफर शानदार रहा है। इसलिए तो भारत में रेल यात्रा को सबसे शानदार और ना भुलाए जाने वाली यात्रा माना जाता है। इसके जरिए आराम से और आसान तरीके से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। हम आपको बता दें कि तकरीबन 164 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे ने अपनी सेवाएं शुरू की थी और पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 33 किलोमीटर की दूरी तय करके गई थी। उस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। अक्सर ट्रेन में सफर करते वक्त आपने रंगीन कोचों के साथ किसी किसी ट्रेन के कोचों पर बनी अलग अलग रंग की धारियों को भी देखा होगा, जैसे कि पीली या सफेद। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रंगीन कोच पर बनी धारियां क्या दर्शाती हैं? क्यों इनको इस प्रकार से कुछ ट्रेनों के कोचों पर बनाया जाता है? इनका क्या अर्थ होता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेन के कोच का रंग भी अलग अलग क्यों होता है। हमारे भारतीय रेलवे में बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए एक विशेष प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ट्रैक के किनारे बने सिंबल, प्लेटफॉर्म पे सिंबल। इन सिंबल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हर एक व्यक्ति को उस चीज के बारे में बताने की जरूरत ना हो और वह इस सिंबल को देखकर आसानी से समझ जाए कि यह सिंबल क्या दर्शा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर ट्रेन के कोच में एक विशेष प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू ICF कोच पर कोच के आखिरी में खिड़की के ऊपर पीली या सफेद कलर की लाइनों या धारियों को देखा जा सकता है, जो कि वास्तव में इस कोच को अन्य कोच से अलग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये लाइनें सेकंड क्लास के अनरिजर्व्ड कोच को इंगित करते हैं। जब स्टेशन पर ट्रेन आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की उलझन होती है कि जनरल डिब्बा कौन सा है। वैसे लोग इस पीले रंग की धारी को देख कर आसानी से समझ सकते हैं कि यही जनरल कोच है। इस प्रकार नीले लाल पर ब्रॉड पीली रंग की धारियां विकलांग और बीमार लोगों के कोच के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसी प्रकार ग्रे पर हरी धारियों से संकेत मिलता है कि कोच केवल महिलाओं के लिए है। इन रंग पैटर्न को मुंबई पश्चिमी रेलवे में केवल नए ऑटो डोर क्लोजिंग EMU के लिए शामिल किया गया है। ग्रे रंग पे लाल रंग की धारी फर्स्ट क्लास के कोच को इंगित करती है। तो हमने जाना कि किस किस प्रकार से अलग अलग रंगों की धारियों को ट्रेन के कोच पर इंगित करने का अर्थ क्या है। तो आइए अब जानते हैं कि ट्रेन में अलग अलग कोच के रंग क्यों होते हैं। भारतीय रेलवे में अधिकतर तीन प्रकार के कोच होते हैं, ICF, LHB, हाइब्रिड LHB। कोच के बीच का अंतर उनकी संरचना, बोगी इत्यादि के कारण होता है। सबसे पहले व्यापक रूप से पाया जाने वाला कोच सामान्य ICF कोच नीले रंग का होता है, जो सभी ICF यात्री, मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेनों के लिए उपयोग किया जाता है। ICF वातानुकूलित ट्रेन में लाल रंग के कोच का उपयोग होता है। गरीब रथ ट्रेन में हरे रंग के कोच का उपयोग होता है। मीटर गेज ट्रेन में भूरे रंग के कोच का उपयोग होता है। बिलिमोरा वाघई यात्री एक संकीर्ण गेज ट्रेन में हल्के हरे रंग के कोच का उपयोग होता है, हालांकि इसमें ब्राउन रंगीन कोच का भी उपयोग होता है। इसके अलावा कुछ रेलवे जोन ने अपने स्वयं के रंगों को नामित किया है, जैसे कि सेंट्रल रेलवे की कुछ ट्रेनें सफेद लाल नीली रंग योजना का पालन करती हैं। LHB कोच में एक डिफॉल्ट लाल रंग होता है, जो राजधानी का रंग भी होता है। गतिमान एक्सप्रेस एक शताब्दी की तरह दिखती है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त पीली पट्टी होती है। हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ट्रेन कोच के रंगों में बदलाव प्रदान करेगी। अब ICF कोच गहरे नीले रंग के बजाय ग्रे और हल्के नीले रंग शताब्दी के समान होंगे। उन्हें एक नया रूप देने के लिए ऐसा किया जाएगा।